देखिए पीएससी का इशू नहीं है, मैं दूसरा बताता हूँ। जो पोर्टल है वो अंग्रेजी उर्दू दोनों में है, उसको आप यूजर लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है कि आप कौन सा कर रहे हैं। और पोर्टल की आसानी के लिए, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसमें ये होता है कि आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, आप रिकॉर्ड करें और वॉइस नोट में अपनी कंप्लेंट भेज दें, वो इसी तरह प्रोसेस होगी जिस तरह की आपने लिख के भेजी हुई है। देखें ये तो इंस्टेंट रापता है, आपको ट्रैकिंग नंबर दे दिया जाता है, और ट्रैकिंग नंबर जब मिल जाता है तो उसके बाद आपको फॉलो अप खुद ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर रहा होता है, और वो फिर उससे सेटिस्फेक्शन लेवल पूछता है, जो कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो थी जिनसे कम्युनिकेशन हुई, जो कि तकरीबन 5,547 लोग थे जिन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए सर्वे भी फिल किया, बताया कि जी हम सेटिस्फाइड थे बहुत एंड पे, क्या किस तरह प्रोसेस हुआ, वो भी हम करते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम पब्लिक पल्स जाने और लोगों की वेलफेयर के बारे में जाने, तो इसलिए हम उसको फॉलो अप उस तरह लेटर एंड स्पिरिट में कर रहे होते हैं। जी जनाब, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म 28 तारीख को करतार पूरा बॉर्डर का इफ्तिताह कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ सहूलियात का अनाउंस करेंगे, भारत की जानब से सहूलियात अनाउंस कर दी गई है, तो हुकूमत पाकिस्तान वहाँ पर कौन सी सहूलियात देंगे? ये तो 28 को मेरा भाई अनाउंस करेंगे ना, उस दिन का इवेंट है वो, आज मैं अनाउंस करें तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या अनाउंस करेगा उसको करने दे। ये जो लॉ एंड ऑर्डर पे तकरीबन 6,129 कंप्लेंट्स हैं, जिसमें पुलिस है, प्रिजन है, एंटी नारकोटिक्स है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस है, और ये जो है जिस जिस इलाके की है उसको रेफर कर दिया जाता है, जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों की पुलिस है उनको रेफर किया जाता है, और इदारों को ही यूज़ किया जाता है उनसे कम। जी सर, आप ये बताइए जो शिकायतें आई है, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि लोगों की जो ऑफिशियल होते हैं सरकारी मुलाजमी, वो या तो ड्राइव करते हैं या तंग करते हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? ये 1,00,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन में कोई आपको ऐसा गलत पाया गया है जिसकी नायाली थी, या जानबूझ के कोई काम नहीं किए जा रहे, लोगों को तंग किया जा रहा है, कोई कार्रवाई की है? लोग जिस भी साल से सीट पर बैठे हैं सबको पता है वो पैसे लेते हैं, पैसे के बगैर लोगों से देते भी नहीं, देखिए जी, ये सिटीजन पोर्टल का मतलब है कि आपकी शिकायत का हल निकालना है। आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएशन शुरू होती है जब आपको ख़त आ जाता है कि जी आपने ये काम हल करना है, जब वो काम हल हो गया तो फिर तो मतलब है परफॉर्म कर रहा है ना वो। अच्छा, ये सेकंड मैकेनिज्म है जो टोटली इससे डिफरेंट है, वो एंटी करप्शन का मैकेनिज्म है, जो कि एंटी करप्शन सिस्टम इन प्लेस है, उस पर आप देख सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं एंटी करप्शन को, और पंजाब का भी बड़ा फहाल हो गया एंटी करप्शन, बल्कि उन्होंने वो FIR वगैरह की हैं, और किसी को पता है कोई परफॉर्म नहीं कर रहा और उसको वो करप्ट है तो ज़रूर दरख्वास्त दें उसके खिलाफ। आखिरी सवाल जी प्लीज, आप ये फरमाइएगा, आपने कुछ इस पर स्टडी किया कि कितने परसेंट पाकिस्तान के शहरी हैं, लोग हैं जिनके पास ये मीडियम तक एक्सेस है कंप्लेंट्स की, पूरा द पुअर सोसाइटी के उनको कंप्लेंट्स होती हैं और वो ये मीडियम यूज नहीं कर सकते, तो वो अपनी शिकायत किस तरह आप तक पहुंचाएंगे? देखिए, अगर आप पोर्टल देखें ना, जाके विजिट करें, तो तमाम मीडियम्स जो अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, यानी कि आप अगर टेलीफोन लास्ट सर्विस है जिसमें आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है, तो टेलीफोन से उसके अलावा जो है बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं, आपके वॉइस नोट्स हैं, उसके बाद ईमेल है, जितने मीडियम मौजूद हैं। अभी जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उसको भी फ़ोन यूज़ करना होता है। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में लगभग 110 मिलियन से ज़्यादा लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, और उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो क्लास बेस्ड नहीं है, वो फैसिलिटी बेस्ड है, तो हमने टोल फ्री नंबर रखा हुआ जिसमें आवाम का कोई पैसा नहीं लग रहा, मुफ्त में आप फ़ोन करके बता सकते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाता है और इसी तरह प्रोसेस होता है जिस तरह के बाकी कंप्लेन प्रोसेस हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म